हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेस सेंटर। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वी मोमेंटल सिस्टम। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलेक्ट्रिक काफी इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर आप डायरेक्ट इसी टॉपिक पे आए हैं सर्च करके कि इक्वी मोमेंटल सिस्टम के ऊपर आपको कुछ देखना है, वीडियो देखनी है समथिंग, ठीक है ना। और अगर डायरेक्ट ये वीडियो आपके सामने आई है तो प्लीज आप पीछे वाले लेक्चर्स जरूर देखें, 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स हैं। अगर अभी तक वो आपने अच्छे से नहीं देखे तो आपको ये लेक्चर कम समझ में आएगा, क्योंकि मैं देखिए 2 से 3 चीजें इसमें यूज करने वाला हूँ। मैंने 2 PDF लास्ट वाले लेक्चर्स की भी खोल रखी है, तो जो स्टूडेंट लगातार देखता रहे उसे तो पता ही, ये सारी चीजें हम डिस्कस करके आए हैं। तो इस लेक्चर में ये चीजें यूज होंगी पीछे की, ठीक है ना। लेकिन मैं आप यहाँ पे भी डिफाइन कर दूंगा, अच्छा रहेगा आप पीछे उनको देखते हैं, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा, फील आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, ठीक है। वेस्ट तो नहीं किया वैसे, कुछ बताया ही आपको, तो अच्छा रहेगा आप पीछे की चीजें देखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा भी हेल्पिंग मतलब लग रहा है, एग्जाम टाइम पे आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ हेल्प हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड अच्छे से कमेंट करें ताकि मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ टू सिस्टम या फिर कोई बॉडी, ठीक है, आर सच दैट दे हैव इक्वल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टाइम ऑफ सॉरी 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 अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस, यानी कि आप दो बॉडीज को या दो सिस्टम्स को इक्विमोमेंटल कब बोलेंगे, जब उन दोनों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो अबाउट एनी लाइन। मतलब किसी एक लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना, उस लाइन के, जैसे मैंने ये लाइन ले ली, ठीक है, इस लाइन के अबाउट, जैसे ये दो सिस्टम ले ली, कोई भी दो सिस्टम, उन दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, इस लाइन के अबाउट, सेम लाइन के अबाउट क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। देन वी कंसिडर बोथ द सिस्टम्स आर इक्विमोमेंटल इफ टू सिस्टम आर सच दैट, इस टाइप से हैं, दे हैव इक्वल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालोगे, तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आई इक्वल्स टू क्या था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन, पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनका, उसका स्क्वायर। अगर आप ये चीज कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन अबाउट लाइन, उस लाइन के अबाउट, देन दे आर कॉल्ड इक्विमोमेंटल, बिकॉज उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आया, इक्वल, ठीक है। सो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये डेफिनेशन हमारे अब इस थ्योरम में काम आएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये थ्योरम आती है डायरेक्ट ऐसे ही, कि द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर टू सिस्टम्स टू बी इक्विमोमेंटल, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या होनी चाहिए दो सिस्टम के इक्विमोमेंटल होने के लिए, आर दैट दे हैव, ये तीनों पार्ट्स मतलब ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए उसके पास, द सेम टोटल मास, उन दोनों सिस्टम्स का जो टोटल मास है मतलब बॉडीज का, वो मास क्या होना चाहिए, सेम, तभी वो कैसे हो सकते हैं इक्विमोमेंटल। दूसरा, दे हैव सेम सेंट्रोइड, उनका जो सेंट्रोइड है जिसके अबाउट आप कैलकुलेट करोगे वो क्या होना चाहिए, सेम, या फिर जिसके अबाउट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की जाएगी, दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एंड द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंट्रोइड। तो ये तीनों चीजें फॉलो होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, उन दोनों सिस्टम्स के पास होनी चाहिए, तभी वो दोनों सिस्टम्स कैसे होंगे, इक्विमोमेंटल। अगर वो दोनों सिस्टम्स इक्विमोमेंटल हैं देन ये तीनों चीजें उनके पास होंगी, वो इनको अपने पास रखेंगे, ठीक है ना, वो इनको सेटिस्फाई करेंगे तीनों को, ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज उनके पास होंगी, कैसे भी बोल सकते हैं आप। तो चलिए, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है मतलब दोनों साइड का रिजल्ट है इफ एंड ओनली इफ, एक बार हम इक्विमोमेंटल लेके चलेंगे सिस्टम को और ये तीनों कंडीशन बारी बारी प्रूव करेंगे, एक बार इन तीनों कंडीशंस को लेके चलेंगे और सिस्टम को इक्विमोमेंटल दिखाएंगे। सिस्टम को इक्विमोमेंटल दिखाने में इतना ही है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस वो हम क्या दिखा देंगे, सेम। तो सबसे पहले तो मैं किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा दोनों सिस्टम्स का, और वो दोनों सिस्टम्स क्या होंगे, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम पहले ये पार्ट लेके चल रहे हैं कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस दोनों सिस्टम्स के पास हैं ये तीनों, हम उन दोनों सिस्टम्स को क्या प्रूव करने वाले हैं, इक्विमोमेंटल, ठीक है। तो इक्विमोमेंटल प्रूव करने के लिए दोनों सिस्टम्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। तो फर्स्टली सपोज दैट द कंडीशन स्टेटेड अबव होल्ड्स, ये तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ध्यान तक सुना, लास्ट तक देखना आराम से, ठीक है, अच्छा समझ में आएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ध्यान लगा के सुनना हर एक बात को, तभी आप आगे तक लेक्चर में प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है ना, कंसेप्ट्स के साथ। अगर आप बीच में इधर उधर ध्यान दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, क्योंकि कुछ कुछ चीजें विजुअलाइज भी करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, लेट एम बी द टोटल मास एंड जी बी द सेंट्रोइड ऑफ
ईच सिस्टम, एम हमने दोनों सिस्टम्स का क्या मान लिया टोटल मास, और जी क्या मान लिया दोनों सिस्टम का सेंट्रोइड। एक एक माना देखो एम दोनों सिस्टम का, क्योंकि दोनों सिस्टम का मास क्या होना चाहिए सेम, और सेंट्रोइड भी क्या है सेम, तो दोनों का एक ही कंसिडर कर लिया, एम से दोनों को डिनोट कर लिया दोनों के मास को, और दोनों के मास को जी से, सॉरी दोनों के सेंट्रोइड को जी से डिनोट कर लिया। ठीक है, अब बोल रहे ऑल्सो लेट ए स्टार बी स्टार सी स्टार। अब स्टार किसके अंदर होता था, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स के साथ हम क्या लगाते थे स्टार, हम स्टार से डिनोट करते थे। तो अब हम प्रिंसिपल एक्सिस की तो बात कर रहे थे यहाँ पे, एज दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अपना प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। तो ये ए स्टार बी स्टार सी स्टार हमने प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया सेंट्रोइड जी पे फॉर ईच सिस्टम, दोनों के लिए क्योंकि दोनों का सेम है। ठीक है, इन बोथ केसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन, अब आ रहा है इस चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। इन बोथ केसेस द मोमेंट ऑफ इनर्जिया अबाउट द लाइन थ्रू जी, सेंट्रोइड जी के अबाउट जो कोई लाइन जाएगी, ठीक है, उसके अबाउट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्जिया आएगा, ये देखिए मैंने ड्रॉ कर रखा है, मैंने ये एक्स वाई जेड अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इनको क्या मान के चलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट जी आएगा यहाँ पे सेंट्रोइड जी। ठीक है, अबाउट जी हमने ड्रॉ कर रखी है एक्स वाई जेड, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हैं, और ये कोई लाइन है पी पॉइंट से जो जा रही है, ये कोई लाइन है आपकी, ठीक है ना, जिसके अबाउट देखो इन बोथ केसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन थ्रू जी, जी से ये लाइन पास हो रही है, इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है इस लाइन की, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है लैम्डा म्यू और न्यू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा ये वाली टर्म आएगी, ठीक है ना, कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, हम इसको लास्ट में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई सिस्टम है अपने पास ऐसा और कोई पी पॉइंट है या फिर कोई लाइन है, ठीक है ना, और वो लाइन किससे पास हो रही है आपकी ओरिजिन से बोल लो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, या फिर सेंट्रोइड से बोल लो जी से किस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो लैम्डा म्यू और न्यू है, देन उसका आप डायरेक्शन सॉरी उसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था, ये देखिए मैंने इस वीडियो को भी इसीलिए खोला था ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, सो देखिए हमने यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ, यहाँ पे ओ के अबाउट हैविंग डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा न्यू और म्यू, यहाँ पे लैम्डा म्यू और न्यू डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, वही लाइन है ये, ठीक है ना, इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड ए बी सी डी ई एफ, इन टर्म्स में निकालना था, तो हमने इसको लास्ट में डिराइव करके, आप अगर इस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर्स का लिंक है, आप जाके देख लीजिए, सेकंड या थर्ड लेक्चर मिलेगा ये आपको। सो यहाँ पे आपके लास्ट में देखेंगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया था ना वो कुछ ऐसा आया था, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर ए, या फिर मैं इसको बोलूँ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर प्लस सी न्यू स्क्वायर माइनस टू म्यू न्यू म्यू डी एंड माइनस टू न्यू लैम्डा ई और माइनस टू म्यू लैम्डा एफ, ये वाली टर्म्स आई थी, बट आपको पता है आपकी बार है ना ये एक्स वाई जेड है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, लेकिन हमारे जो आपकी अब हमारे कंसेप्ट के अंदर हमारे टॉपिक के अंदर ये जो एक्स वाई जेड है ना ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक बात मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जीरो, यानी कि डी स्टार ई स्टार और एफ स्टार की टर्म्स क्या होती है जीरो। तो यहाँ पे जो लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो कुछ ऐसा आया था जिसमें डी ई एफ की टर्म्स थी, यहाँ पे इनको डी स्टार ई स्टार एफ स्टार लिखा जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगी जीरो, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो तीनों टर्म्स मैंने लिखी नहीं, सिर्फ क्या लिखा ए स्टार लैम्डा स्क्वायर बी स्टार म्यू स्क्वायर सी स्टार न्यू स्क्वायर, तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, बस ये तीनों टर्म आई है क्योंकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थे तो डी ई एफ आ गया, अब की बार प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये टर्म्स नहीं आई। ठीक है, सो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, आपको यहाँ पे कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ गलती अगर आपको लगती है पूरे लेक्चर के अंदर भी कहाँ कहीं भी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं भाई सभी भगवान नहीं होते, ठीक है ना, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हो भी जाए, वैसे मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है, मतलब हर चीज को अच्छे से मतलब बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, ना कोई गलत चीज बताने की कि भाई वो होती कोई गलत चीज चली जाए, ठीक है ना, मतलब कंसेप्ट गलत बताने का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो हर चीज को मतलब अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, इसलिए आपको बोला जाता है अगर अच्छा लगता है चीजें समझ में आती है तो प्लीज कॉमेंट करके जाए ताकि मोटिवेशन मिले, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई गलती होती है तो भी आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि वहां पे ये मिस्टेक है, ताकि उसको हम कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकें, पिन कर सकें कि वहां पे वो गलती है, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स उसको गलत ना पढ़ के जाएं,
जरूरी नहीं है सभी को वो गलती नजर आए, आपको नजर आ जाए तो अच्छी बात, आप उसको हाईलाइट करके जाइए, ठीक है। तो चलिए हमें क्या मिला, ए स्टार लैम्डा स्क्वायर बी स्टार म्यू स्क्वायर प्लस सी स्टार न्यू स्क्वायर। प्रिंसिप इस लाइन के अबाउट क्या मिल गया हमें, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, दोनों सिस्टम का है भैया, ठीक है ना, इन बोथ केसेस दोनों सिस्टम का आया ये। अब किसी भी लाइन के अबाउट निकालेंगे, इस लाइन के अबाउट तो आ गया, इस लाइन के अबाउट तो आ गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ गया, ठीक है, ये भी दोनों को मिलाया हमें, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हैंस बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल लाइन, इस लाइन के अबाउट पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ये, और इनके बीच की डिस्टेंस ले ली मैंने एच, ठीक है ना। अब मैं चलूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, अगर आप कोई भी पैरेलल लाइंस लेते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस ही ले रखी थी वो पैरेलल लाइंस, क्योंकि जो टॉपिक है उसको मतलब कन्वीनियंट रखने के लिए, ज्यादा हार्ड ना बनाने के लिए हमने एक्सिस के अबाउट ही सोल्व कर लिया था। तो ये देखा था हमने, ये इस लाइन के अबाउट जो प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये जो एक्सिस है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, और अगर आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल आता था, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में मास इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ सकते हैं आप, इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, एक्सिस बोल रहे हैं लाइन, अब हमें एक्सिस को लाइन बोलना है हमारे कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू था, किसके इक्वल होता है वो, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में सम सम सम, ठीक है ना, कौन, थ्रू द सेंट्रोइड एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, उन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में भी देखो डिराइव किया तब यही कुछ आया था हमारे पास, तो हमने ड्राइव किया था तो देखो क्या मिला था हमें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू आपको चाहिए वो किसके इक्वल आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट लाइन जो पैरेलल लाइन है प्लस में मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो यही यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तो निकाल लिया, इसके अबाउट तो निकाल लिया, जो कि ये आया हमारा ए स्टार लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्टार म्यू स्क्वायर प्लस सी स्टार लैम्डा न्यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अबाउट और चाहिए, इस लाइन के अबाउट चाहिए, और ये लाइन है ना इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल लाइन है ये, ठीक है ना। तो इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मास इनटू में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्वांटिटी प्लस होगी सिर्फ, और ये सेम रह जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन प्लस में मास इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है। तो इससे भी, इस कंसेप्ट से भी, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें कोई भी लाइन मिलगी, कोई भी लाइन मिलगी, देखिए अबाउट एनी लाइन, अबाउट एनी लाइन इन द स्पेस, देखिए ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है। अब इफ द टू सिस्टम ऑफ बॉडी आर सच दैट दे हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस, हमें किसी भी लाइन के अबाउट, ये मतलब आप कोई भी लाइन, जैसे इस लाइन के अबाउट पैरेलल लाइन कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, तो हमने एक जनरल ली थी उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जो कि क्या आया, ए स्टार लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्टार म्यू स्क्वायर प्लस सी स्टार न्यू स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, दोनों सिस्टम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अपना दोनों सिस्टम के लिए था, ये भी अपने क्या आया, दोनों सिस्टम के लिए सेम आया, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं दैट द टू सिस्टम्स हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस एंड द सिस्टम्स आर इक्विमोमेंटल, ठीक है ना, सिस्टम क्या हो गया अपने इक्विमोमेंटल। तो हमने ऐसा प्रूव कर दिया, जब वो तीनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आएगा, सेम आएगा, हेंस वो क्या हो जाएंगे, इक्विमोमेंटल। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाता है तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, इक्विमोमेंटल बोल सकते हैं, ठीक है। अब कन्वर्सली में हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमने एक साइड को प्रूव कर दिया, अब कन्वर्सली प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो पे जाएगा, तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बस डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है ना, इसको भी लास्ट तक देखी जाइए, क्योंकि अगली वीडियो में जहाँ पे इसको खत्म करेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सपोज दैट टू सिस्टम्स आर इक्विमोमेंटल, अब हम इस चीज को मान के चल पड़े कि दोनों सिस्टम कैसे हैं, इक्विमोमेंटल हैं, ठीक है। अब वो तीनों कंडीशन बारी बारी प्रूव करेंगे, सबसे फर्स्ट क्या थी, दे हैव सेम टोटल मास, यानी कि टोटल मास सेम है, फिर प्रूव करेंगे सेम सेंट्रोइड है, और ये थर्ड वाली कंडीशन है ना, बस डेफिनेशन से प्रूव हो जाएगी, ये दोनों प्रूव होते ही, ठीक है ना। तो थर्ड वाली में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम ये और ये डेफिनेशन लगेगी बस, ठीक है। दोनों का मास क्या है, टोटल, हमें क्या करना है, सेम दिखाना है, यानी कि दो मास हम लेके चल पड़ेंगे अलग अलग, हम मैथमेटिक्स में ऐसा ही करते हैं, जो चीज इक्वल दिखानी होती है, यूनिक दिखानी होती है, उसको अलग अलग मान के चल पड़ते हैं, और लास्ट तक उसको क्या दिखा देते हैं, इक्वल, यानी कि वो मास क्या हो जाता है, फिर इक्वल, ठीक है, सॉरी जो भी चीज होती है। तो देखिए G1 और G2 हमने क्या मान लिया, सेंट्रोइड मान लिए दोनों सिस्टम्स के, और M1 और M2 क्या मान लिए हमने, उनके टोटल मासेज मान लिए, क्योंकि सेकंड पॉइंट में हमें उनको सेंट्रोइड को इक्वल दिखाना है, यानी कि G1 इक्वल टू G2 दिखा देंगे, और अब हमें मास को इक्वल दिखाना है, यानी कि M1 इक्वल टू M2 दिखा देंगे। सिंस द टू सिस्टम्स आर इक्विमोमेंटल, अब उनके वो सिस्टम्स अगर इक्विमोमेंटल हैं तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अकेला ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमें पता है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका सेम है, तो उसको मान लिया हमने आई अबाउट G1 G2, ये लाइन है ना, इसके अबाउट क्या मान लिया हमने, उसके अबाउट ये देखिए आई मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। बस सॉरी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फर्स्ट सिस्टम अबाउट द लाइन L' पैरेलल टू G1 G2 एट ए डिस्टेंस d
इज आई प्लस एम वन डी स्क्वायर, यही पैरेलेक्सिस थ्योरम लगा रखिए। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास प्लस में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आगे की वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे पैरेलेक्सिस थ्योरम से। तो चलिए अगली वीडियो में।